अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद फैज। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो बेसिकली अभी मैं इस टाइम चबुड़ी चौक में मौजूद हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मेरे सामने ये फ्लाइट मौजूद है B727 और ये काफी सालों से यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ पे अंदर जाते हैं, जाके अंदर इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस टाइम इसके क्या हालात। और इसमें इंजन मैंने सुना है निकाल लिया था इसका, और बाकी यहाँ पे जो है वो इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं, इसकी टिकट परचेज करते हैं पहले जाके। ये रहा सामने जो है टिकट हाउस से जाके हम जो है वो टिकट परचेज करते हैं जी। तो यहाँ मजीद आप पढ़ सकते हैं, जो जहाज की टिकट है वो बेसिकली 100 रुपीज़ है, बच्चों के लिए 80 रुपीज़ है, वहाँ टिकट परचेज कर है। सो यहाँ से अंदर जाते हैं, अंदर जाके इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। हमें फ्लाइट्स की टिकट्स मिल गई हैं और यहाँ से मैं जो है वो फिलहाल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। यह फ्लाइट और इस फ्लाइट से मैं भी जाऊंगा इस्लामाबाद। मिलते हैं आपको इस्लामाबाद में जाके जी। तो ये फ्लाइट्स की टिकट ले ली है कराची, लाहौर, पेशावर और ये पलंटीनी में पी आई है, और यहाँ से भी जाते हैं हम। यहाँ से अंदर जा रहे थे और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं लियाकत अली। सो इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ा सा जहाज के बारे में पूछते हैं। मुझे ना ये बताइएगा ये कितना साल पुराना है यहाँ पे? सर जहाज पाकिस्तानी पहला जहाज है। ठीक है, 5 जहाज़ बड़े जहाज सन। ठीक है, पहला जहाज कराची खिला रहा जनरल जिया साहब ने। सही, 82-83। सही। दूसरा जहाज कराची तो उड़ान भरया लाहौर एयरपोर्ट से उतारा गया। सही। 84 इतने लैके आए ने, पर कट के इन बाई रोड लैके आए ने मालो माल। ठीक, रात 10 बजे चलिया, सुबह 6 बजे इस गेट के अगे आ खलोता है। सही। सुबह फिर इसनों पहले गोल ढांचे अंदर रेड़ के लिया ने, फिर पिछे ट्राले सन, ट्रालिया से पर पिछे पिछे आए ने। सही। फिर ट्रालिया तो पर उतार के रख दिते गए, फिर क्रेन आई उन्हें पर पुर जोड़ के, फिर 1987 के मम्मद खान जनेजो को इश्तदा कराया गया। नवाज शरीफ उस वक्त पंजाब का वजीर आला थे। सही। बताइएगा ये पहले इसके पढ़ काट के यहाँ पे लेके आए, तो पढ़ जो है वो यहाँ पे दोबारा आके जोड़े गए ना, क्योंकि इतने बड़े रोड नहीं थे। ये तो इसका रनवे से उड़ान होता है एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट से लाया गया, उतो इसके पर काट के मालो माल लिया गया, फिर यहाँ पे आके जो इसके पढ़ जोड़े गए। जनरल जिया साहब आर्मी चीफ भी सी, सदर भी सन, उसके हुक्म नाल मसलन के महकमा वापड़ा नाल से, महकमा टेलीफोन सी नाल, महकमा जंगलात वाले नाल सी, ट्रैफिक पुलिस वाले सन, मतलब सबकी हर दायरे दे आदमी नाल सन। इस नू एक इसकी अपनी ट्रैक्टर हुंदा है, उसके पिछे जट्टी कह लो ट्रैक्टर कह लो, उनके पिछे बन के ते रेड़ के लियाए सन। उस वक्त इसके टायर काम करते सी, इत्थे आके इन्हू दोबारा फिर जोड़ छोड़ के ते फिर आवाम वास्ते खोलिया गया सी। 1987 मोहम्मद खान जी ने जो कोई इफ्तिदा करा के फिर इन 3 रुपये उस वक्त टिकट रखी सी, 3 रुपये स्टार्ट में, और आज 100 हो गई भी है, 3 रुपये टिकट। लेकिन उस वक्त महंगाई नहीं सी इतनी, लेकिन हुण महंगाई दे नाल नाल 30-32 साल हो गए ने, ते आज 100 रुपये टिकट है। आज ये वाली आपको 100 रुपये की टिकट मिल रही है, ऐसी ही है, लेकिन महंगाई के मुताबिक ये टिकट कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि यहाँ पे जो है वो खाना पीना या कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे आके हम खाना पीना नहीं कर सकते, पहले अलाउ था लेकिन अब यहाँ पे अलाउ नहीं है। बाकी अंदर जाते हैं, अंदर जाके सीन्स देखते हैं। सामने जो है वो रैली जा रही है लबैक वालों की, और यहाँ पे अंदर भी जाते हैं और यहाँ के अंदर भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं पी ए की फ्लाइट मेरी रेडी है, अभी मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, और आओ अंदर दिखाते हैं। पायलट वाला हिस्सा तो देख लो, पायलट तो है नहीं, आप कहाँ से जाओगे? चेक तो करो ये चुपे। जी तो ये मेरा सारा प्राइवेट जेट है और यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है। सो मैं यहाँ से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मिलते हैं आपको इस्लामाबाद जाके। मारो मारो मुझे, मारो मारो। जी तो जहाज जो है वो टेक वे करने लगा, रनवे पे हैं अभी हम। सीट बेल्ट पहन ले यार, सीट बेल्ट पहन ले, सीट बेल्ट पहन ले अपनी, सीट बेल्ट।
भी अंदर आ चुके हैं और फ्लाइट जो है हमारी टेक वे कर चुकी है, सो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। बार बार झूठ बोलो। देख सकते हैं हमारी फ्लाइट इस टाइम ऑन वे है। फाइनली जो है वो हम यहाँ पे आ चुके हैं और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट मौजूद, यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर जाके जो है वो देखते हैं। ये तो जानी पहचानी जगह लग रही है, पता नहीं क्यों, और पता नहीं यहाँ पे मार चुके हैं यार, मान गया मैं तो, यहाँ पे इस्लामाबाद होना चाहिए था, ये कहाँ पे आ गए भाई जान। वो इशारा लगा था जहाज अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ। ओहो अभी तक जहाज चले नहीं है। वो सार्जेंट ने चलान कर दिया, वो देखे वो बैठे। ओहो मतलब अभी तक हम गए नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? सड़क से गुजर रहे थे तो मैंने कहा चलो, काफी साल हो गए यहाँ से गुजरते हुए, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं जहाज वगैरह को। बाकी जो है शाम हो गई है, यहाँ से आगे जाते हैं अंदरून की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जाके सीन देखते हैं। रात में वहाँ पे शॉप्स वगैरह ओपन होगी। भैया आगे हुए हैं यहाँ पे और साथ जोसा भाई ऑलरेडी मौजूद है। 2000 years later. कुल्फी वाले पे आके कुल्फी वगैरह खाई है, साथ दूध वगैरह पिया। ये काफी साल पुराने और यहाँ पे मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आया करते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था मैं भी यहाँ पे आके खाया करता था, तो आज पुरानी यादें जो है वो पूरी हो रही है। A few moments later. जी तो इस वक्त मौजूद हूँ फूड स्ट्रीट के अंदर और ये रात के मनाजिर है। ये फूड स्ट्रीट की एंट्रेंस है। हवेली को देख देख के थक चुका हूँ मैं, पता नहीं कितनी दफ़ा मैं हवेली पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मुतली किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, कोको डेंस आ जाता है, उसके बाद ये आवाज आ जाता है, अंदाज से एक्सेंट आ जाता है। 5 minutes later. एक के साथ दो थी। एक के साथ दो। वाओ, ये छोड़ तो हो गया। आपका भाई जो है वो फूड स्ट्रीट के अंदर मौजूद है। अभी आपने देखा कि मैं निशानाबाजी कर रहा था, 5 के 5 निशाने जो है ठक ठक करके लगे। अभी जो है थोड़ा सा बाजार को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि खाना जो है वालदा ने कहा था गड़ा के खाना है, तो खाना मैं यहाँ पे नहीं खा सकता, वरना खाना यहाँ पे खाना था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रात के, ये रात के टाइम आप देख सकते हैं। मैं काफी अरसा हो गया कि रात के टाइम जो आया नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार रात के टाइम जाते हैं, रात के टाइम जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ये सारी रही हवेली और आगे चलते हैं। ये रही बादशाह मुझे की बैक साइड और सामने मेरे सामने इस टाइम हवेली का व्यू। यहाँ पे जो है कोको डेंस, इसके अलावा जो है लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था कोको डेंस, और सामने जो है रवाज, उसके ऊपर अंदाज रेस्टोरेंट। यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी आगे जाते हैं। यहाँ पे सारी की सारी जो है वो गर्ल्स की चीजें हैं और हमारा इनसे एक जो है वो कोई वास्ता नहीं, ना कोई लेना देना है। ये आप देख सकते हैं सारी ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ें मौजूद है यहाँ पे, काफ़ी पुरानी फूड स्ट्रीट के अंदर शॉप्स हैं, लाइक जिसने ये परचेजिंग करनी हो यहाँ पे आ सकता है। एक तो ये जनाब को भी ना चैन नहीं है, रात के 2 बजे हो या 1 बजे हो, अभी बारिश हो रही है हैवी करके, हैवी मौसम हुआ हुआ है,
ढाई तीन बज गए रात के। पेशे की तरह मैं लास्ट इंट्रो देना भूल गया था, उसकी आज रीजन ये है, मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैं असल में सोच रहा था कि यार कोई ऐसी चीज और रस्ते में कैप्चर करने वाली, तो वो कैप्चर करने के बाद लास्ट इंट्रो दे दूंगा। सो वहां से मैं घर आ गया था और अभी एडिटिंग कर रहा था, बिजू ने आके मुझे तंग कर दिया, मैंने उसको भी कैप्चर किया थोड़ा सा। सो आज की जो हमारी एक्टिविटी थी, आज हमने जो है वो इस्लामाबाद का सफर किया, वो तो आपने देखा ही होगा। और इसके अलावा जो है हम गए फूड स्ट्रीट भी हमने जो है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, ज़्यादा नहीं। तो इसका मैं पार्ट टू बनाऊंगा, ये पार्ट वन है, पार्ट टू मैं इसका बनाऊंगा। और पार्ट टू के अंदर जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी हम करेंगे, और मजीद जितनी भी फूड स्ट्रीट, मतलब काफ़ी बड़ी फूड स्ट्रीट्स हैं, काफ़ी शॉप्स हैं, उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं कि जो मैं अभी पूरी जो है एक्सप्लोर नहीं करके आया। तो दोबारा जाएंगे, वो मैं जो है दोबारा अपलोड करूँगा पार्ट टू, ठीक है। सो मिलते हैं आपको इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। फी मानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।